An Academy. Let's crack it. मिटिगेट और एक्सटेन्यूएट को एक बार जान लेते हैं अच्छे से. मिटिगेट बेसिकली दर्द को कम करने के लिए यूज होता है. मेक समथिंग लेस सीवियर, लेस सीरियस, लेस पेनफुल, है ना. आप एंटीबायोटिक खाते हैं दर्द को कम करने के लिए, तो मिटिगेट करते हैं. पीता हूँ गम भुलाने के लिए, तो क्यों पीते हैं? क्योंकि आप गम को मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं. एक वर्ड होता है एक्सटेन्यूएट, इसका मतलब भी कुछ कम करना होता है, लेकिन बेसिकली ये आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर के लिए आता है. या आपने कोई गलत काम कर दिया उसे थोड़ा कम सीरियस दिखाना. आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो गलत है उसे थोड़ा कम सीरियस आप दिखा रहे हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, चलता है. तो उस चीज को एक्सटेन्यूएट करना. द फैक्ट दैट, मैं पढ़ के बताता हूँ, द फैक्ट दैट समवन इज स्टार्विंग इज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट वुड एक्सटेन्यूएट द गिल्ट फॉर स्टीलिंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड. लेट्स से कोई इंसान है, वो भूखा है. अगर वो भूखा है तो भाई नहीं कुछ खाएगा तो मर जाएगा. तो बाहर गया कहीं पे, उसको दिखा कि यहाँ पे कुछ दुकान पे सामान पड़ा हुआ, उसने सामान चुरा लिया यहाँ से और अपना पेट भर लिया उसने. तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भूखा था तो वो जो चोरी उसने की वो चोरी उसकी माफ़ हो जाएगी. यहाँ भी तूने ब्रेड क्यों चुराया? जी इसलिए चुराया, मैं भूखा था, है ना. तो भूखा बोल देने से आपका जो एक्शन है वो एक्सटेन्यूएट थोड़ी हो जाएगा, लेस सीरियस थोड़ी दिखाई देगा. चोरी तो आपने की है ना, तो किसी एक्शन को लेस सीरियस दिखाना, एक्सटेन्यूएट करना. उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा.